आज हम सोनेट सोनेट पढ़ेंगे कि सोनेट के कितने प्रकार होते हैं, सोनेट की ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये कितने लाइंस की होती हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सोनेट को कितने पर कौन कौन से राइटर ने सोनेट लिखे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। सोनेट है, द टर्म सोनेट क्या है? द टर्म सोनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। जो सोनेट का जो टर्म है, ये जो सोनेट का टर्म है, ये आया कहाँ से है? इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है। कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? इटालियन वर्ड सोनेटो से ये चीज़ बनी है, सोनेट बनी है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग, जिसका मतलब होता है एक छोटी गीत या एक छोटी ध्वनि। तो सोनेट जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग, जिसका मतलब क्या कि एक छोटी ध्वनि या छोटी गीत। इट इज़ अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स विद अ पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम। ये क्या होती है? ये 14 लाइन की एक कविता होती है, 14 लाइन्स की एक पोयम होती है जो पर्टिकुलर राइम स्कीम के साथ होती है। स्टूडेंट्स, राइमिंग स्कीम क्या होती है? जो पोयम के लास्ट में जो वर्ड एक दूसरे से राइम करे, वही राइमिंग स्कीम है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वहाँ पे ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, उसमें लास्ट में क्या आया है? स्टार। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, लास्ट में क्या आया है? आर। तो स्टार आर, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। स्टार आर इसमें भी आ रहा है और आर इसमें भी आ रहा है, तो एक दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं राइमिंग स्कीम, मतलब वो जो पोइम के लास्ट में जो वर्ड एक दूसरे से मिले, हमारे बोलने पे ध्वनि एक दूसरे से एक ही जैसी ध्वनि निकालता हो, उसी को बोलते हैं राइमिंग स्कीम। ओके, तो इसमें कितनी लाइन्स होती हैं सोनेट के? सोनेट वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड आस सॉन्ग, मतलब छोटी सी गीत। जो कितने लाइन की होती है सोनेट? 14 लाइन्स की होती है और एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम के साथ होती है। ओके स्टूडेंट, इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे क्या कह रहा है? थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ सोनेट। सोनेट के कितने फॉर्म्स होते हैं? तीन फॉर्म्स होते हैं। पहला है द पेट्रार्कन, द स्पेंसरियन और द शेक्सपियरियन। तीन सोनेट बेसिक फॉर्म होते हैं, द पेट्रार्कन, द स्पेंसरियन, द शेक्सपियरियन। मतलब पेट्रार्कन होते हैं, स्पेंसरियन होते हैं एंड शेक्सपियरियन होते हैं। आगे देखते हैं, तीन फॉर्म हो गए हैं पेट्रार्कन, अब आगे देखते हैं पेट्रार्कन हो गया, स्पेंसरियन और शेक्सपियरियन हो गया। द पेट्रार्कन टाइप ऑफ सोनेट इज आफ्टर द नेम ऑफ पेट्रार्क हु रोट द पोयम ऑफ 14 लाइन्स टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर लॉरा डी नोबिस। जो पेट्रार्कन का जो टाइप आया है सोनेट, जो पेट्रार्कन टाइप आया है, वो पेट्रार्क के बाद ही आया है। पेट्रार्क जिसने लिखा है कितने 14 लाइन्स की कविता जो लिखते थे, टू एक्सप्रेस हिज लव, अपने प्रेम को जताने के लिए, किसके लिए? फॉर लॉरा डी नोबिस, अपनी बिलव्ड के लिए वो एक कविता लिखते थे। कितने लाइन की लिखते थे? 14 लाइन की, 14 लाइन्स की लिखते थे। किस लिए? अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए लिखते थे। तो वही पेट्रार्कन सोनेट बन गया। कौन लिखता था? पेट्रार्क, ये लिखते थे, इसीलिए इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। अच्छा हाँ, पेट्रार्कन सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? इटालियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, ये सब नाम से पेट्रार्कन सोनेट को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिस टाइप ऑफ सोनेट हैज़ टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स के होते हैं? इस प्रकार का जो सोनेट है वो टू पार्ट्स के होते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है? पेट्रार्कन सोनेट की बात हो रही है। पेट्रार्कन सोनेट 14 लाइन की होती है, जिसमें टू पार्ट्स में वो बटा हुआ है। एक पार्ट ऑक्टेव 8 लाइंस एंड सस्टेन्ड 6 लाइन, मतलब टू पार्ट्स में होता है। 14 लाइंस की कविता होती है, टू पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है। एक पार्ट जो 8 लाइन का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। और जो छः लाइन का होता है, 6 लाइंस का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सस्टेन्ड कहते हैं। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मतलब दो पार्ट्स में बटे रहते हैं, एक 8 लाइन में जिसको ऑक्टेव कहते हैं, एक 6 लाइन जिसको सस्टेट कहते हैं। अच्छा, 3 लाइन्स को क्या बोलते हैं? 3 लाइन्स के टारसेट बोलते हैं।
ये चीज़ याद रखिएगा। 6 लाइन को सस्टेट, 8 लाइन्स को ऑक्टेव, 3 लाइन को टर्सेट। आगे बढ़ते हैं। द राइमिंग स्कीम, द राइमिंग ऑफ ऑक्टिव इज ए बी बी ए एंड ऑफ अ सस्टेट इट मे बी इधर सी डी ई आर सी डी डी सी डी आर एनी अदर कॉम्बिनेशन। आगे क्या कह रहा है कि जो ऑक्टिव की राइमिंग स्कीम है, ऑक्टिव की राइमिंग स्कीम क्या है स्टूडेंट्स, ए बी बी ए, ए बी बी ए। राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है राइमिंग स्कीम यही पेट्रार्कन सोनेट की। तो यहाँ पे पेट्रार्कन सोनेट की जो ऑक्टेव है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए एंड ऑफ सस्टेट। अच्छा हाँ, ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है वो फिक्स्ड होती है। कैसी होती है वो फिक्स्ड होती है। बट जो सस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है ये फिक्स्ड नहीं होती है। इट मे बी इधर सी डी ई, या तो ये सी डी ई होता है लास्ट में, या फिर सी डी सी या डी सी डी होता है, या फिर और एनी अदर कॉम्बिनेशन। मतलब ये फिक्स नहीं होती है, आपका सिर्फ ऑक्टेव का ही फिक्स होगा, आपको ए बी बी ए बी बी ए मिलेगा। बट सस्टेट का आपको सी डी ई भी मिल सकता है, सी डी सी भी मिल सकता है, डी सी डी भी मिल सकता है, या फिर अदर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द स्पेंसरियन टाइप ऑफ सोनेट हैज़ थ्री, द स्पेंसरियन टाइप ऑफ सोनेट हैज़ थ्री क्वाट्रेन एंड अ कॉपलेट राइमिंग ए बी बी, सॉरी ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी एंड ई ई। यहाँ पे क्या कह रहा है, पेट्रार्कन का हो गया, यहाँ पे स्पेंसरियन की बात कर रहा है कि जो स्पेंसरियन होता है, जो सोनेट होती है उसमें क्या, उसमें थ्री क्वाट्रेंस होते हैं, थ्री क्वाट्रेंस होते हैं एंड अ कॉपलेट, एक कॉपलेट होता है जो स्पेंसर, वो भी 14 लाइन की होता है, बट उसमें क्या होता है, उसमें थ्री क्वाट्रेंस होते हैं और एक कॉपलेट होता है। थ्री क्वाट्रेंस चार चार लाइन की एक स्टेंजा होती है, चार चार लाइन की एक स्टेंजा तीन बार आता है तो उसे थ्री क्वाट्रेन कहते हैं। दो लाइन की एक कॉपलेट होती है, तो कॉपलेट कितने लाइन का होता है, दो लाइन का, दो लाइन का ही हम क्या बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं। ओके और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, इसकी राइमिंग स्पेंसरियन स्टेंजा की, सॉरी स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी एंड ई ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पूछता रहता है एग्जाम में। आगे क्या है, द शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ ऑल्सो थ्री क्वाट्रेंस राइमिंग ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ एंड वन कॉपलेट जी जी। यहाँ पे भी स्पेंसरियन की तरह ये भी है, शेक्सपियरियन सोनेट भी क्या करता है, थ्री क्वाट्रेंस उसमें भी है और एक कॉपलेट होता है, जिसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी, ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ और एक कॉपलेट होता है जिसका राइमिंग स्कीम क्या है, जी जी। कॉपलेट आप लोग समझ में आ गया होगा, दो लाइन्स की, दो लाइन की लाइन को क्या कहते हैं, कॉपलेट। इसमें भी कॉपलेट आता है, इसमें भी कॉपलेट है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द सोनेट केम इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज वी आया सर थॉमस वायट एंड द अर्ल ऑफ सरे इन द 16th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी एंड इट वॉज द पेट्रार्कन फॉर्म विच दे इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सोनेट है वो आया है इंग्लिश लैंग्वेज में, कब आया है, सर थॉमस वायट कौन लेके आया था सोनेट को इंग्लैंड में, सर थॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरे। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सोनेट इंग्लिश लैंग्वेज में आई तो है, कौन लेके आया है, सर थॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरे ने लेके आए हैं इन दोनों ने, और किस सेंचुरी में आया, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, किस सेंचुरी में आया, तो 16 सेंचुरी में आया है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रही है कि सोनेट आया कब है, 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में आया है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आया, और लाया किसने, वाइट और अर्ल ऑफ सरे लाया है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मेजर सोनेट साइकिल वॉज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मेजर सोनेट कौन सी है, फर्स्ट मेजर सोनेट एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, जिसको लिखा किसने है, सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। ओके शेक्सपियर रोट 154 सोनेट, शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं। दिस सोनेट्स वर एड्रेस इधर टू डार्क लेडी मैरी फिटॉन एंड ऑल टू हिज फ्रेंड डब्ल्यू एच। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं और ये सोनेट उन्होंने एड्रेस किया है या तो डार्क लेडी को, जिनका नाम है, जिनका रियल नेम क्या है, मैरी फिटॉन, या फिर अपने दोस्त डब्ल्यू एच को, यानी कि विलियम हर्बर्ट को किया है।
समझ में आ गया यहाँ तक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट मेजर सोनेट कौन सा है? एस्टोफेल एंड स्टेला। किसने लिखा है? सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? 154 सोनेट लिखे हैं। और ये सोनेट को उन्होंने एड्रेस किसको किया है? डार्क लेडी, जिनका रियल नेम है मैरी फिटॉन, और अपने दोस्त WH को किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जॉन डन रोट 19 सोनेट ऑन रिलीजियस थीम्स ग्रुप टुगेदर अंडर द टाइटल होली सोनेट। जॉन डन कितने सोनेट लिखे हैं? 19 सोनेट्स। डन, जॉन डन ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? ये सोनेट किस पे लिखते थे? रिलीजियस थीम पे लिखते थे। किस पे लिखते थे? रिलीजियस थीम पे लिखते थे। और अंडर द टाइटल, ये जो सोनेट इनकी आई थी किस टाइटल के अंदर आई थी? होली सोनेट। जब भी बात होली सोनेट की आएगी तो किसने लिखा है? डन ने लिखा। डन ने कितनी सोनेट लिखी है? 19 सोनेट ने लिखी है। और किसके अंडर में आया था? होली सोनेट के अंडर में। और डन सोनेट किस पे लिखते थे? रिलीजियस थीम पे लिखते थे। वैसे सोनेट अभी ऊपर आपने पढ़ा है पेट्रार्क, वो किस पे लिखते थे? अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बिलव्ड लॉरा के लिए लिखते थे। और डन किसके लिए सोनेट लिखते थे? रिलीजियस थीम पे लिखते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया किस राइटर ने सोनेट लिखा है, कौन कौन से सोनेट लिखे हैं और किस किस पे लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि लव पे ही सोनेट लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन डिड नॉट राइट अ सीक्वेंस एंड ऑल्सो डिड नॉट राइट अबाउट लव। मतलब मिल्टन क्या है, सीक्वेंस से नहीं लिखते थे और ना ही वो प्रेम के बारे में लिखते थे। उन्होंने जो सोनेट लिखी है वो प्रेम के बारे में बिल्कुल नहीं लिखी है। हिज फेमस सोनेट्स आर, उनके जो फेमस सोनेट है यहाँ पे क्या क्या है? व्हेन द एजॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये उनकी फर्स्ट सोनेट थी। ये उनकी सोनेट थी फर्स्ट नहीं सॉरी ये उनकी सोनेट थी टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट। ये तीनों किसकी सोनेट है? मिल्टन की, जॉन मिल्टन की ये सोनेट है। ओके, और ये उन्हों ये प्रेम पे नहीं लिखते थे, ना ही सीक्वेंस में लिखते थे, ना ही ये लव पे लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों याद कर लीजिएगा मिल्टन की कौन कौन सी सोनेट है। वर्ड्सवर्थ रोड टू सोनेट सीक्वेंस टाइटल। ये दो सोनेट्स एक सीक्वेंस से लिखे थे। टाइटल क्या क्या उनका है? पहला है द रिवर डडन एंड दूसरा क्या है? एक्लेजियास्टिकल सोनेट। ये इनका था, किसका था? वर्ड्सवर्थ का था। ही रोट मोर देन 500 सोनेट्स। वैसे कहा जाता है कि वो 523 सोनेट ऐसा लिखे थे। तो यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने कितने सोनेट्स लिखे थे? 500 सोनेट्स लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड्सवर्थ का था, उन्होंने टू सोनेट सीक्वेंस लिखा था जिसकी टाइटल थी द रिवर डडन एंड एक्लेजियास्टिकल सोनेट, और वो कम से कम 500 सोनेट लिखे थे, 500 सोनेट से ज़्यादा भी लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। जॉन किट्स, किट्स वेल नोन सोनेट्स आर। किट्स सोनेट के लिए जाने जाते हैं। इनकी सोनेट क्या है? ऑन द फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर एंड ब्राइट स्टार। ये दोनों इनकी सोनेट थी। कौन कौन सी थी? ऑन द लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर और ब्राइट स्टार। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ब्राइट स्टार ये जॉन किट्स की अनफिनिश्ड वर्क भी है। ब्राइट स्टार, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्राइट स्टार क्या है? जॉन किट्स की अनफिनिश्ड वर्क भी है और ये सोनेट भी है। तो किट्स का दो सोनेट यहाँ पे आया, कौन का? ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर ब्राइट स्टार, ये इनकी फर्स्ट सोनेट थी। किसकी? किट्स की, जॉन किट्स की फर्स्ट सोनेट थी और ये ब्राइट स्टार, ये दोनों इनका सोनेट था। सैली इज वेल नोन फॉर ओजीमेंडियास एंड इंग्लैंड इन 1819। सैली भी सोनेट के लिए किसके लिए, कौन से सोनेट के लिए जाने जाते हैं? ओजीमेंडियास और इंग्लैंड 1819, सैली। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ने एमोरेटी लिखी थी, एक सीरीज इनकी सोनेट की थी एमोरेटी, जो एड्रेस किसको की गई है? ब्राइड की गई है। एमोरेटी में कितनी सोनेट थी? 89 सोनेट थी। कितने सोनेट थे? 89 सोनेट। नोट डाउन कर लीजिएगा कितने सोनेट थे? 89 सोनेट थे एमोरेटी सीरीज, जिसका सीरीज टाइटल क्या था? एमोरेटी। किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर ने। किसको एड्रेस किया गया था? ब्राइड को। आगे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रोड सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। विक्रम सेठ, आगे देखते हैं। विक्रम सेठ द गोल्डन गेट 1986 इज अ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट इन सोनेट फॉर्म दिस वर्ड्स। यहाँ पे देखते हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रोड सोनेट फ्रॉम द पुर्थोगीज। यहाँ पे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा था सोनेट फ्रॉम द पुर्थोगीज।
ये इनके सोनेट था। विक्रम सेठ द गोल्डन गेट, ये इन्होंने विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट ये इनका सोनेट था जो 1986 में आया था। इज़ अ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट इन अ सोनेट फॉर्म। दिस वर्स नॉवल टेल्स अ स्टोरी 13 चैप्टर्स एंड 590 सोनेट्स। ये जो वर्ड्स था ये नॉवल हमें बताता था एक स्टोरी के बारे में बताता था जिसमें 13 चैप्टर्स थे और 590 सोनेट्स थे। तो कि स्टूडेंट्स ये था सोनेट का कि सोनेट की ओरिजिन कहाँ से हुई, कितने प्रकार के सोनेट होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, कौन से राइटर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं, सब एक ही वीडियो में आ गया है। आगे जो भी टॉपिक रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।